देखो लास्ट टाइम हमने लिफ्ट का केस किया था, अगर आपको याद होगा। लिफ्ट के केसेस में आपको ये सिखाया गया था कि अगर आपके पास कोई भी एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट के अंदर ये मैन है, वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हुआ है, वेइंग मशीन इसका एक्चुअल वेट कैलकुलेट नहीं करके देगी। वेइंग मशीन क्या मेजर करती है, क्या मेजर करती है? एन। एन को क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन या एपरेंट वेट। तो एपरेंट वेट कैलकुलेट करके देती है। तो मैंने बताया था कि अगर ये लिफ्ट रेस्ट पे है तो इसका वेट कितना है? एम जी है। नॉर्मल रिएक्शन कितना है? एन। लिफ्ट वेइंग मशीन एन मेजर करती है। तो मैंने बताया था कि अगर ये रेस्ट पे है तो ना ये ऊपर ना ये नीचे जा रहा है। आप अपना क्वेश्चन ग्राउंड के रिस्पेक्ट टू करें तो एन की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? इक्वल टू एम जी। तो जो मैन का एक्चुअल वेट है वही यहाँ पर लिखना होगा। लेकिन अगर आपकी लिफ्ट कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है, एक्सलरेट कर रही है, और आप वेइंग मशीन लेके खड़े हुए हैं, तो ये नॉर्मल रिएक्शन एन है, ये इसका वेट एम जी है। और अगर आपकी लिफ्ट ऊपर जा रही है तो मैंने बताया था एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, तो एन का फॉर्मूला क्या आया था? एम इंटू जी प्लस ए। और अगर आपकी लिफ्ट नीचे आ रही होती तो एन का फॉर्मूला क्या होता है? एम इंटू जी माइनस ए। ये रूल क्लियर है? तो आज के बाद अगर लिफ्ट में जाएंगे वेइंग मशीन साथ ले जाना और वे करके देख लेना अपने आप को। जब लिफ्ट नीचे आ रही होगी आपका वेट हमेशा कम आएगा, और अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो वेट ज़्यादा आएगा, और अगर रेस्ट पे है तो एक्चुअल वेट आएगा। और अगर लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो फिर आपके पैर लगेंगे नहीं लिफ्ट के ऊपर, एन क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि ए भी जीरो हो जाएगा। ए की वैल्यू जी हो जाएगी लिफ्ट की, तो एन की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। इसे वेटलेसनेस की कंडीशन बोलते हैं। तो क्या ये यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक इसके बेस पे ये असाइनमेंट है। इस असाइनमेंट में क्या गिवन है? एलिवेटर वेइंग 5000 kg। मैंने दो मेथड से की है ये पूरी असाइनमेंट। 5000 kg का ये जो मास है ये ऊपर जा रहा है सपोर्टिंग अ टेंशन ऑफ 50,000 न्यूटन। तो टेंशन की वैल्यू 50,000 न्यूटन है। अब वो क्या कह रहे हैं? फाइंड अपवर्ड एक्सेलरेशन। अपवर्ड एक्सेलरेशन आपको बतानी है क्या होगी। दो तरीके हैं। पहले फ्री बॉडी डायग्राम। मैंने मास ले लिया 5000 kg, इसका वेट है 5000, टेंशन ऊपर है। आप लिफ्ट में जाके मत काम करना, आप ग्राउंड के फ्रेम में काम करना। ग्राउंड के फ्रेम में आपको लगेगा ये बॉडी ऊपर जा रही है, और अगर ये बॉडी ऊपर जा रही है तो ऊपर का फोर्स बड़ा है, नीचे का फोर्स छोटा है। तो बड़ी में से छोटी फोर्स यानी कि 5000 t में से 5000 g माइनस इज इक्वल टू एम इन टू ए। यहाँ से सॉल्व करके t की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, a निकाल लेना। अगर आप इतना नहीं करना चाहते, लिफ्ट का केस याद करो, जब लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करती है शॉर्टकट क्या है नॉर्मल रिएक्शन का? एम इंटू जी प्लस ए। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, यहाँ पर टेंशन पूछ रहा है। कॉन्सेप्ट तो वही है, एन की जगह टी ले लो, तो शॉर्टकट लगा देना टी इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए। टेंशन की वैल्यू आपको पता है, मास आपको पता है, जी आपको पता है, ए ये ज़्यादा शॉर्टकट है। पर मैंने साथ साथ दोनों चीज़ें की हैं। कोई फॉर्मूला भूल जाए तो कम से कम फ्री बॉडी डायग्राम से भी कर सकता है, नहीं भूले तो ये तो सबसे बेस्ट है ही। वैसे ये वाला, अगर लिफ्ट ऊपर जाती है तो ऊपर नॉर्मल रिएक्शन या टेंशन की फोर्सेस क्या होती हैं? एम इंटू जी प्लस ए। तो वो टेंशन आपको दे रहा है, एम आपको दे रहा है, जी आपको दे रहा है, ए निकाल लो। और अगर ये नहीं समझ में आया तभी तो फिर मैंने ये बनाया, तो ऐसे कर लो, ये तो है ही है। ठीक समझ में आ रहा है? तभी मैंने दो, देखो मैं भी दो दो बार कर रहा हूँ ताकि जिन स्टूडेंट को जो समझ में आ रहा है वो ठीक है। शुरू में लोगों को ये समझ में आएगा, बाद में कहेंगे नहीं यार भाई ठीक है, मैंने भी बाद में लिखा, करने के बाद याद आया कि अच्छा ये शॉर्टकट भी उसका सच, ये लगा लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ तक जो मर्जी लगा लो, दोनों ठीक है। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? जैसे क्वेश्चन है, हाँ ए आ गया, साथ में ये भी निकालना है हाउ फार डज इट राइज इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में लिफ्ट कितनी ऊपर चली गई? तो अप्लाई, और रेस्ट से स्टार्ट होके तो अप्लाई करेंगे, ए आ गया, एस इज इक्वल टू 0 + 1/2 at² से एस कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड। तो सबसे पहले निकलेगा ए, ए आ जाएगा, फिर निकलेगा एस। यहां तक कोई डाउट? ठीक है। तो काफी लोग प्रेफर करते हैं फॉर्मूला, वैसे सच बताऊं फॉर्मूला ज्यादा बेटर है, मन में वैसे ही कैलकुलेट हो जाता है एम इन टू जी प्लस है। ये तो मैंने अननेसेसरी ज्यादा कर दिया, उन लोगों के लिए जिनको फॉर्मूला नहीं याद रहते वो फ्री बॉडी डायग्राम से पसंद करते हैं। जैसे मर्जी कर लो, मैंने हर क्वेश्चन को दो बारी किया। वैसे
बिल्कुल लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, वुमेन वेइंग 50 kg F, एक चीज़ याद रख लो, इन टाइप की प्रॉब्लम में, फोर्स की प्रॉब्लम में आपको ऐसा दे सकता है वो फोर्स की वैल्यू या फिर एक बॉडी का वेट, जो वेट है वो मान लो उसने दिया 5 kg F, 5 kg F का मतलब 5 kg के इक्वलेंट फोर्स, मतलब आपको दे तो 5 किलो का मास रहा है, वो कह रहा है कि वेट आप खुद निकाल लेना, वेट का फॉर्मूला एम नहीं होता, mg होता है, तो इसका वेट किसके इक्वल आ जाएगा, 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, जी से, तो इनटू 9.8 करेंगे तो आंसर किस में आ जाएगा, न्यूटन में, याद रहेगा। आपको फोर्सेस वो kgf में देगा, kgf को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 9.8 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, भूलना नहीं है इसे। और ऐसा भी हो सकता है वो आपको 5 kg F की जगह 5 kg वेट दे दे, 5 kg वेट का मतलब 5 kg मास के इक्वलेंट वेट, 5 kg मास है, इसका वेट क्या बनेगा, इसको 9.8 से मल्टीप्लाई, एक ही बात है, मतलब kg फोर्स लगाना या kg वेट लगाना एक ही बात है, क्योंकि वेट फोर्स ही होती है। तो ये शॉर्टकट याद रहेगा, अगर क्वेश्चन kgf में या kg वेट में गिवन है और आपको न्यूटन में लेके जाना है तो 9.8 से मल्टीप्लाई, कोई डाउट इसमें। उल्टा भी ट्रू है, अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि मान लो वेट की जो वैल्यू है, वेट की वैल्यू 1000 न्यूटन है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपका आंसर न्यूटन में नहीं गिवन, ऑब्जेक्टिव में आपका आंसर kgf में गिवन है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई नहीं, इसको जी से डिवाइड, तो आंसर किस में आ जाएगा, kgf। तो अगर मैं जी को 10 पुट करता हूं तो आंसर आएगा 100 kgf। हाँ मतलब kgf में kg मास होता है, जो 10 kg मास है, मतलब वो तो बोलने का तरीका है ना, मतलब kgf वाले लोग ये बोलते हैं कि भाई मास मेरे से ले जा, वेट अपने आप कैलकुलेट करता जा, और न्यूटन में लोग बोलते हैं कि वेट मैं ही कैलकुलेट करके दूंगा, वो तुम्हारी मर्जी है जैसे भी गिवन होगा, तो क्वेश्चन पूछने वाले पर डिपेंड करता है। तो यहाँ तक क्लियर है, याद रहेगा। अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहे हैं कि वुमेन है वेइंग 5 kg F, तो वेट उसका 50 kg F है, 9.8 से मैंने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई, तो mg आ गया, तो वेट आ गया। वो कह रहे हैं लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन के ऊपर खड़ी हुई है, इसका रिएक्शन बताओ क्या होगा, मशीन क्या रीडिंग लेगी, मशीन जो है क्या रीडिंग देती है, मैंने बताया नॉर्मल रिएक्शन देती है, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलेरेशन 0, अब कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं, एन इक्वल टू mg हो जाएगा, यही आंसर है, तो एक्चुअल वेट ही आएगा, एन किसके इक्वल हो जाएगा, 50 × 9.8, 490 न्यूटन। मैंने अपनी कैलकुलेशन 9.8 से की है, शायद इस असाइनमेंट के अंदर 10 से की हुई है, हाँ कई 10 कई गिवन है, मैंने 9.8 से कर रखी है सारी, तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। तो इसमें कोई n इंटू जी प्लस ए है ही नहीं, तो m इंटू जी प्लस ए लगाओ या m इंटू जी माइनस ए लगाओ, ए है ही नहीं, तो mg आंसर ही आएगा। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें। अब जैसे मैंने शॉर्टकट लगा दिया, शॉर्टकट में रेस्ट के ऊपर mg लगता है, ये बात ही खत्म। अब वो कह रहे हैं कि लिफ्ट नीचे आ रही है, अगर ये लिफ्ट नीचे आ रही है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, पहला तरीका तो ये है फ्री बॉडी डायग्राम, अगर ये नीचे आ रही है तो बोलो कौन सी फोर्स बढ़ी, ये वेट बढ़ा कि एन बढ़ा, वेट बढ़ा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 50 × 9.8 माइनस एन इज मास इंटू एक्सेलेरेशन, वैसे इतना करने की जरूरत क्या है, अगर कोई भी चीज़ जब नीचे आती है तो नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला मैंने क्या करवाया, m × g, यही लगा दो, खत्म कहानी, क्यों इतने चक्कर में पड़ते हो, तो m पता है, g पता है, a पता है, आंसर ये ज़्यादा बेटर है, तो सीधा फॉर्मूला लगा दो आंसर, क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक, मतलब ऊपर जाएगी तो m × g प्लस से, नीचे आएगी m × g माइनस से, कोई डाउट इसमें, ठीक है। जैसे 75 kg मैन स्टैंड इन अ लिफ्ट, तो मैं तो फ्री बॉडी डायग्राम साथ साथ बनाए हैं, लिफ्ट के ऊपर 75 kg मैन खड़ा हुआ है, व्हाट फोर्स डज द फ्लोर एग्जर्ट ऑन हिम, ये कौन सी फोर्स है, फ्लोर ने मैन पे कौन सी फोर्स लगाई, नॉर्मल रिएक्शन, भाई मैन ने क्या लगाया अपना वेट, तो फ्लोर ने क्या लगाया, नॉर्मल रिएक्शन, तो एन निकालना है आपको इसमें,
तो जब एलिवेटर स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ टू, तो लिफ्ट कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है, क्या करोगे करके छोड़ दो। वैसे पहला मेथड कहता है ऊपर की फोर्स माइनस नीचे की फोर्स इज मास इनटू एक्सेलेरेशन, जरूरत ही नहीं है। लिफ्ट ऊपर जा रही है तो नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला क्या करवाया था, एम इनटू जी प्लस ए, एम पता है, जी पता है, ए पता है, आंसर ये ज़्यादा बेटर है आंसर। बस आपने यही देखना है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है या लिफ्ट नीचे आ रही है, बस। अगर ऊपर एक्सेलरेट कर रही है तो एम इनटू जी प्लस ए, नीचे कर रही है एम इनटू जी माइनस ए, आंसर वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, जैसे ने, और हाँ आपके जो ऑप्शंस हैं हो सकता है वो न्यूटन में ना गिवन हो, क्योंकि जब मैंने आंसर निकाला न्यूटन में 885 है, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, ऑब्जेक्टिव के अंदर उसने आंसर केजीएफ में दे दिया, आप अपना आंसर ये नहीं छोड़ सकते, इस 885 को आपको 9.8 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर जो आंसर आएगा वो केजीएफ में माना जाएगा। कोई डाउट इसमें? तो ये स्टेप भी क्लियर है। नेक्स्ट है, फाइंड एपरेंट वेट ऑफ अ मैन। ये एपरेंट वेट ऑफ अ मैन क्या होता है? एन, नॉर्मल रिएक्शन निकाल लो। वेइंग 49 केजी ऑन द अर्थ व्हेन ही इज स्टैंडिंग इन अ लिफ्ट व्हिच इज राइजिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.2। तो पता ही है अगर वो मैन लिफ्ट में ऊपर जा रहा है तो बोलो नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला एम इन टू जी प्लस से, पुट कर दो ना, मास पता है, जी पता है, ए पता है, आंसर। एक्चुअल मेथड की क्या जरूरत है? ये तो डेरिवेशन है, बार बार करना जरूरत क्या है? आप सिंपली एक ही काम करो, आप फॉर्मूला लगा लो, अगर मैन ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन के साथ तो एन की वैल्यू एम इन टू जी प्लस ए लगा लो, आंसर। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। कितनों को आ गया था वैसे ये? कर लिया था, ठीक है। गोइंग डाउन विद सेम एक्सेलरेशन, तो फॉर्मूला उल्टा कर दो, एम इन टू जी माइनस ए, एम पता है, जी पता है, ए पता है, आंसर। ऊपर जा रहा है तो जी प्लस से, नीचे आ रहा है जी माइनस से, सही है। मतलब ये असाइनमेंट आपको सिर्फ एक ही चीज़ रटा रही है, सच बताऊं मैं आपको, कि अगर ऊपर जा रही है लिफ्ट जी प्लस ए कर रहा है, नीचे आ रही है जी माइनस ए, पता है क्यों कर रही है? दो साल में पता नहीं कब कहाँ काम आ जाएगा, एक बार बताई हुई चीज़ याद नहीं रहती, हर फॉर्मूले में लगा के देखते रहोगे याद ही हो जाएगा जी प्लस ए जी माइनस ए। ये पर्पज़ है असाइनमेंट का, ये पर्पज़ नहीं है कि इसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे, इसमें कोई पसंद नहीं आएगा, नहीं आएगा कुछ, बट ये है कि आपको कॉन्सेप्ट कहीं भी आ जाएगा जी प्लस ए जी माइनस ए वाला। ठीक है, फ्रीली फॉल, फ्रीली फॉल में नॉर्मल रिएक्शन हमेशा जीरो, मतलब सोचना भी नहीं है, जब फ्री फॉल करेंगे तो ए को जी पुट करके आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। फ्री फॉल में ऊपर जा सकती है लिफ्ट? नहीं नहीं, नीचे गिरेगी लिफ्ट, की रस्सी टूटेगी, लिफ्ट ऊपर नहीं जाएगी, लिफ्ट फॉल करेगी, नीचे लगेगी, नीचे जाएगी। ठीक, नेक्स्ट, गोइंग अप या डाउन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ए इज इक्वल टू जीरो, तो नॉर्मल रिएक्शन हम एम जी के इक्वल हो जाएगा, एम इन टू जी न्यूटन में आंसर ये होगा, और के जी एफ में इसको जी से डिवाइड कर लो, आंसर 49 के जी एफ आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, क्लियर है, कब कौन सा फॉर्मूला क्या समझ में आ रहा है? जैसे बॉडी जिसका मास 15 केजी है इज हंग बाय अ स्प्रिंग बैलेंस, तो देखो ये 15 केजी का मतलब वेट कितना है? 15 जी। स्प्रिंग बैलेंस के अंदर रीडिंग क्या होगी? स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है? टेंशन, टी बताया था, स्प्रिंग बैलेंस के अंदर रस्सी जाती है, उसकी टेंशन मेजर करने का मतलब स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग है, टी मेजर करना है जब वो ऊपर जा रहा है स्प्रिंग बैलेंस विद एन एक्सेलरेशन ऑफ टू। तो एक तरीका तो ये है, अगर ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो टी बड़ा है 15 जी छोटा है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? बड़ी में से छोटी फोर्स टी माइनस 15 जी इज 15 इंटू ए, सॉल्व करके टी आ गया। ये अगर नहीं करना तो कोई बात नहीं, ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है? ऊपर एक्सेलेरेट कर रहा है, तो टी का शॉर्टकट लगाओ एम इंटू जी प्लस से, एम पता है, जी पता है, ए पता है, आंसर। मतलब ऊपर जाना या नीचे जाने में फॉर्मूला एक है, अगर ये नहीं रिलेट कर पा रहे तो ये तो कर ही पा रहे हो, ऊपर की फोर्स बड़ी और नीचे की फोर्स छोटी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कोई डाउट इसमें? न्यूटन में कैलकुलेट करना है न्यूटन में छोड़ दो, और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केजीएफ में तो जी से डिवाइड करके आंसर आएगा। कोई डाउट इसमें? ठीक है, जैसे
वो कह रहे हैं अब नीचे आ रहा है, अगर ये लिफ्ट नीचे आ रही है तो शॉर्टकट लगाओ ना, एम इन टू जी प्लस ए की जगह एम इन टू जी माइनस है आंसर 120, ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है यहाँ तक। और फ्री बॉडी डायग्राम से भी हो सकता है, नीचे आ रहा है तो 15g बड़ा और t छोटा, इक्वेशन बोलो 15g माइनस t इज 15 इंटू ए, वो आपकी मर्जी है ऐसे करना है या शॉर्टकट लगाना है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तो कुछ चेंज होगा नहीं, ए तो होगा ही नहीं यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, तो टी किसके इक्वल हो जाएगा एन जी 15 जी, तो टेंशन 15 जी। मास 10 kg सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्ट्रिंग अदर एंड ऑफ विच इज हेल्ड इन हैंड, रस्सी को हाथ में पकड़ लिया, फिर अपने हाथों से रस्सी को ऊपर लेके गए विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2, तो डायग्राम हाथों का क्या लेना, कुछ भी नहीं, ये रहा डायग्राम, 10 kg है तो 10g नीचे t ऊपर और एक्सेलरेशन 2, तो अगर टेंशन क्या होगी, शॉर्टकट लगा दो, ऊपर जा रहे हैं तो t इज इक्वल टू एम इन टू जी प्लस से, और अगर शॉर्टकट नहीं रिलेट कर पा रहे तो ऐसे कर लो, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है t बड़ा है 10g छोटा है, इक्वेशन क्या बनेगी, t माइनस 10g इज 10 इन टू ए, टी निकाल लो आंसर, एक ही बात है। तो समझ में आ रहा है, अगर फॉर्मूला नहीं रिलेट कर पा रहे तो फ्री बॉडी डायग्राम, और अगर नहीं करना तो शॉर्टकट लगा दो, दोनों में से एक ही बात, कोई बात, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रिंग ऑफ अ पैराशूट कैन बेयर अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ 72 kg वेट, टेंशन दे रहे हैं वो आपको टी मैक्स, मैक्सिमम टेंशन का मतलब ये होता है कि इससे ऊपर अगर आपने टेंशन कर दी रस्सी टूट जाएगी, बस इससे ज़्यादा टेंशन वो टॉलरेट नहीं कर पाएगी, तो टेंशन 72 kg वेट है, 9.8 मल्टीप्लाई करके न्यूटन में पहले कन्वर्ट करो, और इसके अंदर बाय व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन 96 kg का जो बंदा है वो डिसेंड करे बाय द हेल्प ऑफ अ पैराशूट, तो कितनी एक्सेलरेशन से डिसेंड करे नीचे उतरे, 96 kg का मतलब 96 × 9.8। अब वैसे तो प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में, नीचे उतर रहा है तो टेंशन का फॉर्मूला एम इंटू जी माइनस से, आपको टेंशन पता है, टेंशन पता है आपको, एम पता है आपको, जी पता है, ए आ जाएगा, प्रॉब्लम वो नहीं है। मैं इसलिए क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा कि आपको ये फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला आपको पता लग रहा है, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि ये टी मैक्स और ए मिनिमम का चक्कर क्या है, ऐसी बातें क्यों कर रहा है, सिर्फ टेंशन क्यों नहीं बोल रहा। देखो अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे उतर रहा है, नीचे की फोर्स बड़ी और ऊपर की छोटी है, तो मैंने इक्वेशन क्या बनाई, नीचे की फोर्स माइनस ऊपर की फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ये रहा इक्वेशन, क्लियर है यहाँ तक, तो बड़ी फोर्स नीचे की, नीचे आ रहा है ऑब्जेक्ट, माइनस ऊपर की फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ये इक्वेशन आ गई। अब देखो ना एम इनटू जी तो चेंज हो नहीं सकता है, तो कॉन्स्टेंट है, अगर ये टर्म मैक्सिमम है, मैं मैक्सिमम वैल्यू पुट करूं तो इनका डिफरेंस अपने आप मिनिमम आएगा, एक कांस्टेंट टर्म में से एक मैक्सिमम वैल्यू को माइनस कर रहे हो, जितनी ज़्यादा ये बड़ी टर्म होती जाएगी उतना डिफरेंस छोटा आता जाएगा, इसलिए जो आंसर आएगा उसमें ए क्या आएगा, मिनिमम, क्योंकि ये टर्म मैक्सिमम है तो डिफरेंस अपने आप मिनिमम आएगा, तो ये टर्म मिनिमम है। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों यूज़ कर रहे हैं कि जब उसने टी मैक्स दिया तो ए मिनिमम वर्ड यू क्यों यूज़ किया, हालांकि आपको इसमें चाहिए नहीं है। आप ए तो ए की वैल्यू तो निकाल ही लोगे, लेकिन मैं आपको खुद समझा रहा हूँ कि ए मिनिमम वर्ड यूज़ क्यों यूज़ करता है, तो यहाँ से ए मिनिमम कैन बी कैलकुलेटेड, अगर ये नहीं यूज़ करना तो वही यूज़ कर लो, वो भी एक ही बात है, क्योंकि अगर टी मैक्स होगा तो ए अपने आप मिनिमम होगा, आंसर वही आएगा, सेम आएगा, कोई फ़र्क नहीं, बट आइडिया समझ में आ रहा है कि टी मैक्स के बाद ए मिनिमम वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है। डाउट इसमें? सपोज पहला टर्म तो कांस्टेंट है, कुछ भी कांस्टेंट ले लो, दूसरी टर्म मान लो आपके पास कोई नंबर है 2, 3, 8 कुछ भी, मैं इन तीनों में से क्या पुट करूं कि मेरा डिफरेंस मिनिमम आ जाए, ये तो अगर ये मैक्सिमम नंबर पुट कर रहे हो तो डिफरेंस तो मिनिमम ही आएगा ना, ऐसे
नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 70 केजी मैन इन अ सी इज बीइंग लिफ्टेड बाय अ हेलीकॉप्टर एक रस्सी के साथ जो मैक्सिमम टेंशन बेयर कर सकती है 100 केजी वेट. फिर से एक बंदे को ऊपर उठाया जा रहा है हेलीकॉप्टर से, तो मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू ये रही 100 केजीएफ या केजी वेट का मतलब 100 इंटू 9.8 न्यूटन है. 70 केजी का मैन है तो 70 जी वेट नीचे की तरफ है. वो पूछ रहा है कितनी एक्सेलरेशन से इसको ऊपर उठाया जा रहा है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगी ताकि मैक्सिमम टेंशन इसके इक्वल होगी. अब कई लोग जो याद करते हैं वो सोचते हैं कि क्या चक्कर है, सर ने कहा था कि अगर टी मैक्स होगा तो ये मिनिमम होगा, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं टी मैक्स है तो ये मैक्स है, ये क्या चक्कर है. देखो कंडीशन देखो, अगर ये मैन ऊपर जा रहा है तो दिस फोर्स इज ग्रेटर देन दिस फोर्स, तो दिस माइनस दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन. इक्वेशन क्लियर है. अब ध्यान से देखो इस इक्वेशन में ये तो कांस्टेंट है, ये जितना मैक्सिमम होगा तो इनका डिफरेंस उतना ही बड़ा आएगा तो ए मैक्स होगा. ये याद नहीं कर सकते कि टी मैक्स होगा तो ए मिनिमम होगा, ये तो इक्वेशन पे डिपेंड करता है कि कहाँ टी मैक्स के साथ ए मिनिमम होगा और कहाँ टी मिनिमम के साथ ए मैक्स होगा. तो ये आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए. हालांकि आपसे कोई पूछ नहीं रहा, आपसे ये नहीं कोई पूछेगा कि बताओ एक्सेलरेशन मिनिमम होगी कि मैक्सिमम होगी, वो नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर ये लैंग्वेज यूज़ करेगा ए मिनिमम निकाल दो ए मैक्स निकाल दो. तो आपको ये समझ में आना चाहिए ऐसा क्यों यूज़ कर रहा है. तो मैथमेटिकली समझ में आ रहा है क्यों यूज़ कर रहा है ये वर्ड, बाकी आंसर में कोई चक्कर नहीं, आंसर तो आ ही गया, टी मैक्स पता है ए मैक्स की वैल्यू आ गई, इसमें कुछ करना नहीं, शॉर्टकट लगा तो नहीं. तो अगर वो बंदा ऊपर जा रहा है तो टी का फॉर्मूला क्या लगेगा, एम इंटू जी प्लस ए. आपको टी पता है एम पता है जी पता है ए निकाल लो, आंसर तो सेम ही आएगा, शॉर्टकट तो लगा ही सकते हो. अगर कोई रस्सी ऊपर जा रही है तो टी मैक्स का फॉर्मूला आ ही गया. आपने एक चीज़ नोट की, जब वो उस मैन को ऊपर खींच रहा है तो स्टेटमेंट में टी मैक्स को यूज़ कर रहा है. वो कभी कभी ऐसा भी कर सकता है जब वो मैन नीचे उतर रहा होता तो टी मिनिमम यूज़ करता, ये चक्कर क्या है. आप लॉजिकली समझो, आप बस मुझे ये बताओ, आपने एक बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को टॉप फ्लोर पे ऊपर चढ़ाना है रस्सी से, ऊपर चढ़ाने में ना आपकी जान निकल जाएगी, टी मैक्स होगा, अगेंस्ट ग्रेविटी टी मैक्स है, बहुत फोर्स होगी रस्सी में टूट भी सकती है. नीचे उतारने में इजी है, टेंशन थोड़ी रिलीज हो जाती है, टेंशन रिलीज होती है नीचे उतरने में, टेंशन कम होती है. ऊपर आने में टेंशन ज़्यादा है, नीचे आने में टेंशन कम है, तो उतारना आसान है और चढ़ाना मुश्किल है. लिफ्ट वाला सेम केस है, आप ऊपर जाएंगे आपका वेट बढ़ता हुआ फील होगा, आप नीचे उतरेंगे आपका वेट कम होगा. नीचे उतरने में चीज़ें टेंशन एंड नॉर्मल रिएक्शन दोनों कम ही होते हैं और ऊपर चढ़ने में टेंशन ज़्यादा होती है. समझ में आ रहे हैं यहाँ तक. तो ये ना सोचें कि रस्सी के अंदर फोर्स तो बराबर रहेगी, ना बराबर नहीं रहेगी, टेंशन की वैल्यू चेंज हो सकती है. ठीक है, डिपेंडिंग कि आप उसको ऊपर लेके जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को या नीचे लेके जा रहे हैं. एलिवेटर एंड इट्स लोड 800 केजी का है तो 800 जी टेंशन निकालनी है. व्हेन एलिवेटर ओरिजिनली मूविंग डाउनवर्ड एट 20 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन नहीं है, इज ब्रॉट टू रेस्ट. इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल पता है, इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर. देखो अगर ये लिफ्ट नीचे उतर रही है तो टेंशन का फॉर्मूला नीचे उतरने में क्या होगा, टी इज इक्वल टू एम इनटू जी माइनस ए, पर आपको ए नहीं पता तो लगाओ मोशन इन वन डी. वी पता है, यू पता है, एस पता है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस, यहाँ से सॉल्व करके ए आ जाएगा जो कि कितना है माइनस फोर. इस ए को उठा के आप यहाँ पुट करेंगे माइनस फोर तो टी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड. आंसर गलत है, वो एक्चुअली मैंने जी को 10 ले लिया यहाँ पे, रेज टू पावर 4. अच्छा वो नहीं चाहिए, ये आंसर है, ये आ रहा है 11200 आंसर है, ये कर लेना, हो सकता गलत होगा, ये मेरा सही आंसर ये वाला.